नई दिल्ली से हिमाचल प्रदेश के लिए शुरू की गई पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत बुधवार सुबह पहली बार यात्रियों को लेकर हिमाचल के ऊना रेलवे स्टेशन पहुंची। बता दें कि 13 अक्टूबर को पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा इसी रेलवे स्टेशन से इस रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया था। बुधवार को पहली बार यात्रियों को लेकर आ रही वंदे भारत ट्रेन अपने निर्धारित समय से करीब 10 मिनट की देरी से रेलवे स्टेशन पर पहुंची, जबकि उसके बाद ही ये गाड़ी अब बुधवार से नियमित रूप से शुरू कर दी गई है। सप्ताह में 6 दिन चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस शुक्रवार को बंद रहेगी। सुबह 5:50 बजे नई दिल्ली से रवाना हुई वंदे भारत सुबह करीब 10:44 पर ऊना रेलवे स्टेशन पहुंची। वंदे भारत से सफर कर रहे हिमाचल पहुंच रहे यात्रियों ने अपने अनुभव भी साझा किए और उन्होंने हिमाचल प्रदेश के विभिन्न जिलों को रेल नेटवर्क से जोड़ने की मांग भी सरकार से उठाई। आज मैं स्पेशल दिल्ली से वंदे मातरम का सफ़र करने गया था और ये जो ट्रेन है ये हिमाचल के लिए एक बहुत ही बड़ा उपहार है। ये हमारा जो प्रधानमंत्री जी ने हिमाचल के लिए दिया है, मैं तो इस काम के लिए सबसे बड़ा योगदान जो है ये मैं अनुराग जी को मानता हूँ, क्योंकि उनकी मेहनत से ही मुझे लगता है ये ट्रेन जो है हिमाचल को मिली। आपका नाम? मधु। मधु जी, आप कहाँ से आ रहे हैं? मैं दिल्ली से आ रही हूँ। तो किस तरह का मानते हैं, आपके घर कहाँ है और वंदे भारत ट्रेन पहली दफा सवारियों को लेकर आ रही है, क्या कहना चाहते हैं? मैं पहले भी आती थी और मेरे को बहुत ही मुश्किल लगता था कि बड़ा ट्रैवलिंग टाइम बहुत ज़्यादा है, और आज तो मतलब कब से मैं वेट कर रही थी। जैसे ही मुझे पता चला कि आज से बुकिंग शुरू है, सबसे पहले मैंने बोला कि मुझे बुकिंग करवा के मेरी तो मुझे पहुँचा दो। मैं बिलासपुर रहती हूँ और मैं गवर्नमेंट से इतनी खुश हूँ, मतलब जो ये अनुराग ठाकुर जी और मोदी जी ने जो काम किया है ना वंदे भारत चलाकर, इतना टाइम सेव होता है इससे कि आप काफ़ी टाइम जो है बचत हो जाती है। आपका नाम? चंचल। चंचल, कहाँ आपके घर है और हिमाचल आप किस कार्य? हम दिल्ली में रहते हैं, हम घूमने आए हैं यहाँ पे। तो जिस तरह से क्या मानते हैं वंदे भारत देश की चौथी ट्रेन वो हिमाचल के एक छोटे से जिला के लिए स्टार्ट हुई है, क्या कहना चाहिए? बहुत अच्छा है, यहाँ पे हम लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है, इतनी लंबी ट्रैवलिंग से बचे हैं। जहाँ हमें 12-13 घंटे लगते थे अब हम 5 घंटे में पहुँच गए हैं। तो क्या मानते हैं अब हिमाचल आना जाना लगा रहेगा? हाँ जी, डेफिनेटली जब कन्वीनियंस होती है तो सब चाहते हैं। ऑल ओवर एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इंडियन रेलवे की काफ़ी अच्छी इम्प्रूवमेंट है।